है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि ताकि आरिफ अलवी जो है वो अब मीडिया से भी गुफ्तगू करने लगे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो मजीद क्या कहते हैं। ठीक है, जुल्खन्ना हमारे साथ ही रहिएगा, जुल्खन्ना हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। आप ये देख भी सकते हैं इस वक्त कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी पहुंचे हैं उन कारकुनान की जमानत के लिए बातचीत करने के लिए पुलिस हुकाम से, और डीजे भट्ट जिनको दो रोज कबल गिरफ्तार किया गया था और उनके साथ मुतादिद कारकुनान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, वो एक पुलिस वैन में मौजूद है और बताया जा रहा है कि वो एहतजाज करें। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान समेत एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। मुतालबा उनका यह है कि जमानत मंजूर की जाए इन कारकुनान की और इनको फिल फौर रिहा किया जाए, लेकिन अभी कोई अहकाम जारी नहीं हुए हैं। इससे कबल डीजे भट्ट को जुडिशियल अदालत के सामने पेश किया गया और वहां पर भी अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आया इन कारकुनान को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। कारकुनान अभी उसी पुलिस वैन में मौजूद है। सूरत हाल पे एक दफा फिर बात करेंगे जुल्कर्नैन से। जुल्कर्नैन, अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी मजीद बात करते हैं। अलवी साहब ये बताइएगा, अलवी साहब ये बताइएगा कि क्या इंतजामिया की है, इंतजामिया के साथ आप? मैं यही बात करने वाला हूँ। देखें दोस्तों, जो गाड़ियों में बंद रहे थानों में नहीं, जो जो बात हम करने वाले हैं ये बड़ी अहम है। जो हमारे साथी हैं यहाँ पर, इसका इस्तेमाल करें कि ये बसें ना जाएं, क्योंकि ये इल्लीगली इनको अडियाला जेल भेजा जा रहा है। इनको शख्सी तौर पर पेश करवाना था मजिस्ट्रेट के आगे। मजिस्ट्रेट का क्या नाम है? कैप्टन वकास साहब, ये और मलिक नजीब, और ये यहाँ पर खड़े होकर इन्होंने हमसे वादा किया कि मैं आपसे बात करूंगा। और जैसे ही हम इन बसों को रोकने के लिए आए, क्योंकि ये बसें जा रही थी, वो घर भाग गए। तो मैं ये मजम्मत करता हूँ कि जो सुलूक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पैट के वर्कर्स के साथ किया जा रहा है, इसके लिए मेरे दोस्तों आप एहतमाम करना कि यहाँ से ये बसें जाए नहीं जब तक मजिस्ट्रेट यहाँ आता नहीं है। जब तक मजिस्ट्रेट यहाँ आता नहीं है और हमें दिखाता नहीं है कि क्या ऑर्डर उसने पास किया है, इल्लीगल ऑर्डर पास किया है, सेक्शन 144 में गिरफ्तार किया है, मगर इनको घरों से उठाया है। धरने से जब ये घर जा रहे थे, बहुत सारों को जब उठाया है, इन्होंने रातों को गिरफ्तार किया है। मैं समझता हूं कि ये गैर कानूनी है, इसकी मुजम्मत करेंगे। हम अपनी जान दे देंगे मगर अपने वर्कर्स को गिरफ्तार नहीं रहने देंगे। इनको इनको मैं ये कहता हूं कि नवाज शरीफ जहां भी जा रहे हैं वहां पर नारे लगने चाहिए, गो नवाज गो, ताकि उनको पता चले कि जुल्म के जरिए ये हम लोगों को और इंसानों को और गरीबों को और इंसाफ चाहने वालों को दबा नहीं सकते। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पैट मौजूद है, इंशाल्लाह धरने से भी नहीं हम हटेंगे। ये समझते हैं हमारे हजार वर्कर्स को गिरफ्तार कर पाकिस्तान का मुंह बंद कर देंगे। पाकिस्तान का आवाम जाग चुका है, ना उसका मुंह बंद किया जा सकता है, ना उसको दबाया जा सकता है, ना उसको मारा जा सकता है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमारे साथियों को गैर कानूनी तौर पर अडियाला जेल भेजा जा रहा है। उनका ये कहना है कि वहां पर मौजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान को मुखातिब करते हुए कि इन बसों को अडियाला जेल नहीं जाने दें। हम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, मगर जानवरों की तरह इन बसों के अंदर बंद करके इनको ले जाने की हम मुखालफत करते हैं, और इल्लीगली, और इनको पानी नहीं मिला है, ये बसों में बंद है, रात से बंद है, इनको पेश नहीं किया गया है, तो हम इस धरने के इजाजत नहीं देती। मेरे ख्याल से हजार से ज्यादा है जो मुझे इस्लामाबाद और रावलपिंडी की इत्तला है, हजार से ज्यादा कंटेनर अडियाला जेल बहुतों को भेज दिया है बगैर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के, बगैर इनको भेजा गया है। इसमें भी 60-70 लोग होंगे इन दो बसों के अंदर, 15 से 20-22। ये मैं कह रहा हूं कि अगर कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो जिम्मेदार जज है वो अपनी अदालत में आकर नहीं बैठा और यहां नहीं आया, तो हम 3 घंटे की वार्निंग दे रहे हैं, हम इन प्रिजन वैन्स के ताले तोड़कर उनको रहा करेंगे, वरना इसके अंदर बेहोश हो रहे हैं, कोई मर सकता है। आरिफ अलवी साहब का ये कहना है कि हम 3 घंटे की वार्निंग दे रहे हैं, मैजिस्ट्रेट यहाँ पर आए और हमें तहरीरी तौर पर दिखाएं कि क्या एहकाम जारी किए गए हैं, वरना कारकुनान ताले तोड़ के अपने साथियों को बाहर निकालेंगे।
ताकि वो जाने बचाई जा सके जो इस धूप के अंदर फंसी हुई है। इनको पानी पिलाया जाए, पानी आरिफ अलवी साहब का ये भी कहना है कि इन कारकुनान को रात से ही बसों में बंद करके रखा हुआ है, मोबाइल में पुलिस मोबाइल में उनको पानी तक नहीं फराहम किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि हमारे साथियों को गैर कानूनी तौर पर रात को घरों से गिरफ्तार किया गया है, दफा 144 लगा के, और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अलवी साहब पहले आरिफ अलवी साहब बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पहुंचे यहां पर। जब अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था तो उन्होंने जाकर बात करने की कोशिश की, वहां पर पुलिस